हेलो एवरीवन, हम लोग फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET पढ़ रहे थे। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसके पहले हम लोगों ने BJT पढ़ा हुआ है और BJT बायसिंग पढ़ा हुआ है। तो पहले BJT और BJT बायसिंग आप लोग जरूर क्लियर कीजिए, तब इस FET को आप लोग लेक्चर्स को देखिएगा। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो इसमें हम लोगों ने कई सारी चीज़ें डिस्कस की थी। BJT और FET में जो डिफरेंसेस हम देखे थे, तो इसमें हमने देखा था कि पहला जो डिफरेंस था कि BJT एक बाईपोलर डिवाइस है। बाईपोलर मींस इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों कंडक्शन में पार्ट लेते हैं, जबकि FET एक यूनिपोलर डिवाइस है। यूनिपोलर मींस इसमें या तो इलेक्ट्रॉन या होल कंडक्शन में पार्ट लेंगे। डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप का FET है, एन चैनल है या पी चैनल। एन चैनल वाले में इलेक्ट्रॉन और पी चैनल वाले में होल। इसी तरीके से हमने देखा था कि ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, क्योंकि इसमें इनपुट करंट जो थी IB वो कंट्रोल कर रही थी किसको, IC। ठीक है, क्योंकि IB क्या होता है, IC इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट करंट IC इक्वल टू βIB होता है ना। तो हमने देखा था ये करंट कंट्रोल डिवाइस है, जबकि ये क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। क्यों इसमें जो आउटपुट करंट है ID, वो क्या ID डिपेंड करती है इनपुट वोल्टेज पर, इनपुट वोल्टेज गेट टू सोर्स वोल्टेज। ठीक है, तो इसका हमने फॉर्मूला भी देखा था कि ID इक्वल टू IDSS 1 माइनस VGS अपॉन VP, चाहे इसको VGS ऑफ बोलिए या बोलिए, दोनों के दोनों की वैल्यू बराबर होती है VP2। ठीक है, और इसी तरीके से हमने देखा था कि इसमें जो इनपुट इम्पिडेंस है Zin वो कम होता है, क्योंकि जो इनपुट साइड है वो फॉरवर्ड बायस होता है, जबकि इसमें इनपुट इम्पिडेंस ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि इनपुट साइड आपका रिवर्स बायस होता है। ठीक है, और इसमें नॉइज लेवल ज़्यादा होता है, जबकि इसमें नॉइज लेवल कम होता है। ऐसे करके हमने कुछ डिफरेंसेस देखे थे। डिफरेंसेस आपको क्लियर होने चाहिए, ये एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछ सकता है। तो इसके बाद हमने देखा था कि FET को हमने डिस्कस किया था। FET को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, करके पढ़ना है हमने। FET दो तरीके की होती है, JFET, इसका फॉर्म क्या है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये आपने देखा होगा, एन चैनल JFET और पी चैनल JFET, जिसको हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एन चैनल है पी चैनल। इसमें हम लोगों ने मैक्सिमम चीज़ें देख ली हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, सारी चीज़ें। और जो दूसरा पार्ट था इसका FET का, वो था MOSFET, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जो कि हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है वही है MOSFET, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब हम लोगों ने देखा था कि ये जो JFET था, JFET, इसमें जो हम इनपुट देते थे, इस JFET में हम जो इनपुट दे रहे थे उसमें हमने कहा था कि VGS जो अप्लाई कर रहे थे, तो इस तरीके से दे रहे थे कि गेट हमेशा रिवर्स बायस्ड हो, गेट हमेशा रिवर्स बायस हो। ठीक है, तो अगर आप लोगों को याद हो, इसका जो कंस्ट्रक्शन है कुछ ऐसा होता है। मान लीजिए एन चैनल की बात करें, तो ये एक एन चैनल हो गया, एन चैनल मीन्स ये एन टाइप, इसको हमने ड्रेन कहा, इसको हमने सोर्स कहा, इसको हमने गेट का, लेकिन गेट क्या होता है, पी टाइप मटेरियल। ठीक है, पी टाइप मटेरियल अगर डोपिंग करते हैं तो यहाँ कुछ आपका रिवर्स बायस करने की वजह से, रिवर्स बायस जब आप इसको करते हैं, पी को निगेटिव को इसको पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पर रिवर्स बायस होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है कि डिप्लीशन लेयर बन जाती है। ठीक है,
और हमने देखा कि जब इस और हमेशा इसको रिवर्स बायस रखते हैं, इनपुट साइड को हमेशा रिवर्स बायस रखते हैं, और रिवर्स बायस को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, तो आप ये बताइए कि रिवर्स बायस बढ़ाएंगे तो ये जो डेप्लीशन लेयर है उसकी चौड़ाई बढ़ रही थी, ध्यान होगा आपको, ठीक है? तो डेप्लीशन लेयर की चौड़ाई बढ़ रही थी, जहाँ से करंट पास हो रही है चैनल, इस चैनल की चौड़ाई भी तो कम हो रही थी, चैनल की विड्थ, विड्थ मीन्स चौड़ाई कम हो रही थी, कब? जब हम रिवर्स बायस इनपुट साइड पर बढ़ा रहे थे, जब इनपुट साइड पर रिवर्स बायस को बढ़ा रहे थे तो चैनल की चौड़ाई कम होती जा रही थी, ठीक है? चैनल की चौड़ाई कम होना मतलब जो जहाँ से करंट पास हो रही है, बेसिकली जहाँ से करंट पास हो रही है उसके लिए जगह कम होना, इसका मतलब रेजिस्टेंस बढ़ना, बेसिकली चैनल की चौड़ाई कम होना, चैनल विड्थ कम होना का मतलब हम कह सकते हैं, चैनल विड्थ कम हो रही है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, यही तो होता है, जैसे जैसे VGS बढ़ाते हैं वैसे वैसे चैनल विड्थ बढ़ती जाती है और रेजिस्टेंस जो है चैनल विड्थ घटती जाती है और रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, ठीक है? तो इसकी हमने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, अब अगर आप लोगों को ध्यान हो ID और VGSS के बीच जो खींची थी ID, और तो हमने देखा था कि जब VGS 0 है तो उस समय करंट मैक्सिमम IDSS होता है, और जैसे जैसे VGS की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं करंट की वैल्यू घटती जाती है, क्यों घटती जाती है? क्योंकि ये चैनल की विड्थ घट रही थी, चैनल की विड्थ घट रही थी इट मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, विड्थ घट रही थी रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, जिसकी वजह से हमारी जो आईडी थी आईडी की वैल्यू गिर रही थी गिर रही थी गिर रही थी, और जब हम VGS की वैल्यू बढ़ाते 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 एक ऐसी स्थिति आ जाती है जिसको VGS ऑफ कहते हैं, उतने तक ले आते हैं तो आईडी की वैल्यू इस समय क्या हो जाती है आपकी, यहाँ पर आईडी वैल्यू जीरो हो जाती है, मैक्सिमम से चलते हुए जीरो हो जाती है। तो हमने यहाँ पर देखा था कि हम यहाँ पर चैनल की जो विड्थ थी उसको कम कर रहे थे, चैनल की विड्थ स्टार्टिंग में जितनी थी उससे हम कम कर रहे थे बेसिकली, और कम करने का मतलब कि हम चैनल की विड्थ घटा रहे थे, और घटाने का मतलब उसको डिप्लीट कर रहे थे, डिप्लीशन कर रहे थे उसका, ठीक है? डिप्लीशन सब आप लोगों ने सुना होगा। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग चैनल की विड्थ घटा रहे थे, इसका मतलब यहाँ पर हम जो इनपुट ऐसा दे रहे थे कि चैनल विड्थ घटे, और चैनल विड्थ हम बढ़ा नहीं सकते थे, इसमें घटा ही सकते थे, इट मीन्स इनपुट जो हमारा आउटपुट करंट है उसको मैक्सिमम वैल्यू से घटा रहे थे, यही हो रहा था हमारा, ठीक है? लेकिन मॉस्फेट में हम क्या करेंगे, मॉस्फेट में हम जो जो आपका जो गेट है उसको हम रिवर्स बायस में नहीं बल्कि पॉजिटिव करके भी हम अप्लाई करेंगे, सॉरी वन सेकेंड, एक बार देखिए कि अभी तक हमने जो JFET पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि गेट जो है उसका रिवर्स बायस होना चाहिए, ठीक है? ये क्लियर, गेट रिवर्स बायस होना चाहिए, मतलब अगर एन चैनल अगर JFET है आपका तो गेट पर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं, VGS नेगेटिव होता है ना, और जब पी चैनल होता है तो इसका जस्ट अपोजिट मतलब गेट पॉजिटिव अप्लाई करते हैं, ठीक है? और जब हम ये करते हैं, मान लीजिए एन चैनल की बात ले और अभी जो हमने फिगर देखा था नेगेटिव ऑपरेशन कर रहे थे या रिवर्स बायस किए हुए थे, तो उस समय हम चैनल की विड्थ क्या कर रहे थे, चैनल की विड्थ स्टार्टिंग की तुलना में या जब जीरो बायसिंग कर रहे हैं, जीरो बायसिंग की, जीरो बायसिंग मतलब आपने बायसिंग नहीं की थी स्टार्टिंग कंडीशन की थी, तो अब जब स्टार्टिंग कंडीशन थी उससे हम क्या कर रहे थे, उसके कंपेरिजन में हम विड्थ को घटा रहे थे सिर्फ, ठीक है ना? जब हम अप्लाई कर रहे थे बायसिंग तो घटा ही रहे थे ना, क्योंकि रिवर्स बायस था, रिवर्स बायस चैनल की विड्थ घट रही थी, तो इस तरीके के ऑपरेशन को जिसमें सिर्फ घटा रहे थे उसको हम कहते हैं डेप्लीशन मोड ऑपरेशन, डेप्लीशन मोड ऑपरेशन, इसमें हम क्या करते हैं चैनल की विड्थ को डेप्लीट करते हैं, डिक्रीज करते हैं, कम करते हैं, ठीक है? तो इसलिए हमने देखा कि JFET को जो अभी तक हमने पढ़ा था उसको केवल और केवल डेप्लीशन मोड में ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी FET हैं जिन्हें चैनल की विड्थ, जो चैनल की विड्थ है चौड़ाई है उसको इंक्रीज या इन्हेंस करके ऑपरेट कर सकते हैं,
इनहेंस या इंक्रीज। JFET में चैनल की विड्थ को सिर्फ हम घटा रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे या डिप्लीशन मोड में ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसे भी FET हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसमें हम चैनल की विड्थ को इनहेंस कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते करके ऑपरेट कर सकते हैं, और इस टाइप के FET को हम कहते हैं इन्हेंसमेंट मोड ऑपरेशन में ये काम कर रहा है। वो वाला डिप्लीशन मोड ऑपरेशन था क्योंकि चैनल विड्थ घट रही थी, यहाँ पर क्या होगा, इन्हेंसमेंट मोड ऑपरेशन होगा, इट मीन्स चैनल की विड्थ बढ़ेगी भी, ठीक है। और इस प्रकार के जो FET जो ऐसा काम करते हैं उसको हम कहते हैं MOSFET। तो MOSFET में ये काम होगा कि चैनल की विड्थ बढ़ा कर भी देखेंगे हम, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को अभी तक समझ में आए हो। तो अब हम देखते हैं कि MOSFET कितने तरीके के होते हैं। तो जनरली देखें तो MOSFET जो है हमारे दो तरीके के होते हैं, एक जिसे हम कहते हैं DMOSFET और दूसरा जिसे कहते हैं EMOSFET। दो तरीके के MOSFET हैं, DMOSFET और EMOSFET। DMOSFET को हम डेप्लीशन टाइप MOSFET, ठीक है, या फिर डेप्लीशन और एनहेंसमेंट टाइप MOSFET कहते हैं। डी को हम चाहे डिप्लीशन टाइप MOSFET या डिप्लीशन या एनहेंसमेंट MOSFET कहते हैं, ठीक है। और EMOSFET जो होता है आपको उसको हम एनहेंसमेंट टाइप MOSFET कहते हैं। अच्छा, नाम से अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये जो टाइप का MOSFET है DMOSFET, इसको हम चाहे डिप्लीशन मोड में ऑपरेट करें, इट मीन्स चैनल की विड्थ घटा सकते हैं, या फिर चैनल की विड्थ बढ़ा सकते हैं, ठीक। किस कंडीशन से, जीरो बायस की कंडीशन से। दूसरा चीज, EMOSFET में हम क्या कर सकते हैं, EMOSFET में हम सिर्फ और सिर्फ इन्हेंसमेंट मोड में ऑपरेट कर सकते हैं, इट मीन्स सिर्फ चैनल की जो विड्थ है उसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक। यहाँ पर यही आप लिखा है, DMOSFET दोनों मोड में ऑपरेट करता है, डिप्लीशन मोड और इन्हेंसमेंट मोड, जबकि EMOSFET केवल सिर्फ और सिर्फ इन्हेंसमेंट मोड में ऑपरेट करता है, ठीक है। तो हम एक एक करके इसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे। सबसे पहले DMOSFET देखते हैं हम लोग, DMOSFET दोनों में काम करेगा, डिप्लीशन मोड में और इन्हेंसमेंट मोड, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों मोड में काम करेगा। ये देखिए यहाँ इसका कंस्ट्रक्शन दिखाया हुआ है, तो सबसे पहले इस फिगर को देखिएगा, ये वाला फिगर, ये है DMOSFET का फिगर। अच्छा, DMOSFET भी अब दो तरीके का होगा, या तो एन चैनल का होगा या तो पी चैनल का। तो यहाँ पर एन चैनल दिखाया हुआ है, देखिएगा सबसे पहले तो ये एक आप देख रहे हैं, ये एन टाइप का, दिस इज द चैनल, ये पूरा एन टाइप का है। और यहाँ पर आपके दो टर्मिनल आपके दिख रहे होंगे, सोर्स और ड्रेन, जैसा यूजुअल JFET में होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक देख रहे हैं, एक डोपिंग पी टाइप की यहाँ की गई है, और इसको हमने क्या कहा है, दिस इज सबस्ट्रेट, ठीक है, दिस इज सबस्ट्रेट। और इसके बाद अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर गेट जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट ना होकर के गेट कनेक्ट करने के लिए हमने सबसे पहले ये एन चैनल पर एक SiO2 की लेयर लगाई हुई है, ये दिस इज लेयर SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये एक इंसुलेटर होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने इस पर एक देखिए मेटैलिक गेट, दिस इज द मेटैलिक गेट जिसको हमने डिपॉजिट किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये जो गेट है, ये मेटैलिक गेट और ये जो आपका चैनल है एन चैनल, ये एक दूसरे से इंसुलेटेड है, ठीक है। ये जो गेट है और चैनल इंसुलेटेड है, इसलिए इसको हम IGFET भी कहते हैं, IGFET मतलब इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इंसुलेटेड गेट है कि नहीं, गेट इंसुलेटेड है ना SiO2 से, और यहाँ इंसुलेटर है SiO2, बीच में इंसुलेटर लगा दिया आपने, यहाँ पर गेट है, क्लियर। इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन है कुछ। और ये जो अब आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ चार टर्मिनल होगा, गेट, ड्रोन, सोर्स, तो आप जानते थे, सबस्ट्रेट। तो क्या करते हैं, जनरली सबस्ट्रेट और सोर्स से इंटरनली एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो अब आपके तीन ही टर्मिनल हैं, ड्रेन, गेट और सोर्स, ये इंटरनली कनेक्टेड होता है, ठीक है। ये है एक डी टाइप MOSFET का। दूसरा वाला EMOSFET का है, और ये एन चैनल है। तो सबसे पहले एन चैनल है, तो इसका मतलब ये वाला, दिस इज अ कंप्लीट एन चैनल। यहाँ पर इन दोनों में बस ये अंतर है कि ये जो सबस्ट्रेट है ये पूरे चैनल में यहाँ पर नहीं है, बीच में थोड़ी सी जगह है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए चैनल, यहाँ पर कैरियर फ्लो करने के लिए बीच में कोई चैनल नहीं है, बीच में पूरा सबस्ट्रेट है, ठीक है।
तो यहाँ पर बस सिंपल सा है, ये जो सबस्ट्रेट है ये पूरे चैनल पर ये फैला हुआ है यहाँ तक, और यहाँ पर बीच में कोई भी चैनल नहीं है। यहाँ पर चैनल है लेकिन यहाँ पर कोई चैनल नहीं है ई मॉस्फेट में, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन में इसका थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपने देखा दोनों का कंस्ट्रक्शन लगभग सेम है, बट दोनों में अंतर ये है कि डी मॉस्फेट में सोर्स और ड्रेन के बीच में चैनल होता है, और यहाँ पर सबस्ट्रेट पूरा एक्सटेंड रहता है, इसलिए सोर्स और ड्रेन के बीच में कोई फिजिकल चैनल नहीं होता है, ठीक है। ये रहा डिफरेंस इसका। और इसके बाद हम डी मॉस्फेट का सिंबल देखेंगे, सिंबल ऑफ डी मॉस्फेट, ये देखिए ये इसका सिंबल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डी मॉस्फेट, जो अभी हमने देखा था एन चैनल वाला डी मॉस्फेट है ये, और इसमें ये देखिए ये ऑक्साइड लेयर है, ये जनरली क्या होता है SiO2, ठीक है। ये इंसुलेटर काम करता है, यहाँ गेट है, सबस्ट्रेट, ड्रेन, सोर्स, ठीक। सिंबल क्या होगा इसका, ये गेट, और गेट और ये जो चैनल है दिस इज चैनल, ये चैनल है आपका, ठीक है, और गेट ये है दिस इज गेट। अब आप देख रहे हो गेट और चैनल के बीच में स्पेस है, तो ये दिखाता है कि गेट और चैनल जो है इंसुलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। और यहाँ पर ये टर्मिनल सोर्स, ये टर्मिनल ड्रेन, और दिस वन इज सबस्ट्रेट, और यहाँ पर ये जो एरो दिखा रहा है ये एन चैनल के लिए, ठीक है। और जब हमने कहा था कि सबस्ट्रेट और सोर्स इंटरनल कनेक्टेड रहते हैं, तो ये देखिए सबस्ट्रेट और सोर्स को कनेक्ट कर दिए, तो यहाँ पर अब तीन टर्मिनल बचे आपके, गेट, सोर्स और ड्रेन, ये इसका सिंबल, ठीक है। ये इंसुलेटेड है इसलिए इसको इससे चैनल से कनेक्टेड नहीं किया हुआ, ये एन चैनल के लिए। इसी तरीके से पी चैनल में होगा, बस एरो इसमें चेंज हो जाएगा, एरो के डायरेक्शन देखिए, एरो के डायरेक्शन चेंज है, बाकी सब सेम है, एरो के डायरेक्शन चेंज है, और इंटरनली कनेक्टेड होंगे तो यहाँ पर ये देखिए सिर्फ एरो के डायरेक्शन चेंज है। तो ये था आपका इसका सिंबल। अब इसकी सर्किट ऑपरेशन पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर हमने कहा था कि जो गेट है, ये जो गेट है दिस वन, ये गेट चैनल से इंसुलेटेड है। क्यों इंसुलेटेड है, ये चैनल है और ये इंसुलेटर है, दिस इज इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटेड है इसलिए आप यहाँ पर गेट पर चाहे आप पॉजिटिव सप्लाई दीजिए चाहे निगेटिव वोल्टेज सप्लाई दीजिए, ठीक है। और जैसा कि हमने कहा भी था कि ये डी मॉस्फेट है, क्या है ये डी मॉस्फेट है, डी मॉस्फेट को हम दोनों मोड में ऑपरेट कर सकते हैं। दोनों मोड में कौन कौन से, डेप्लीशन मोड में और इन्हेंसमेंट मोड, ठीक है। तो एक एक करके हम इसके मोड्स को पढ़ेंगे, डिप्लीशन मोड में कैसे ऑपरेट करते हैं और एनहेंसमेंट मोड में। अच्छा, डिप्लीशन मोड में जब आप ऑपरेट करेंगे, तो मैंने कहा कि गेट को पॉजिटिव या नेगेटिव चाहे जिसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो जब आपको डिप्लीशन मोड में ऑपरेट कराना हो, डिप्लीशन मोड मतलब उस समय चैनल की विड्थ, चैनल की चौड़ाई डिप्लीट होगी, कम होगी, विड्थ कम होगी ना, जो पहले था JPT वाला, विड्थ कम होगी, विड्थ कम मतलब, विड्थ कम हुई मतलब रेजिस्टेंस इसका बढ़ेगा चैनल का, ठीक है। और इन्हेंसमेंट में क्या होगा, विड्थ बढ़ेगी, इट मीन्स रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, जस्ट उल्टा उसका। डिप्लीशन मोड में हम क्या करते हैं, निगेटिव गेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक JFET। तो जब डिप्लीशन मोड ऑपरेट करना होगा तो हम गेट का निगेटिव ऑपरेशन मतलब यहाँ पर निगेटिव सप्लाई देंगे, और पॉजिटिव सप्लाई देने पर क्या होगा, इन्हेंसमेंट मोड ऑपरेशन होगा। तो इन्हेंसमेंट मोड में जब ऑपरेट कराना होगा डी मॉस्फेट को, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई देंगे। तो एक एक करके इसके मोड्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले डिप्लीशन मोड पढ़ेंगे, तो डिप्लीशन मोड में हम कौन सप्लाई देंगे, डिप्लीशन मोड ऑपरेट करने के लिए निगेटिव सप्लाई देंगे। निगेटिव सप्लाई मीन्स ये देखिए गेट को आपने निगेटिव सप्लाई दी है, ठीक है, दिस इज द सप्लाई गेट सोर्स, रिवर्स बायस आपने किया हुआ है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं इसका डिप्लीशन मोड। देखिए इसका ऑपरेशन बहुत सिंपल, डिप्लीशन मोड में हम क्या करते हैं, निगेटिव सप्लाई दें, देखिए यहाँ निगेटिव सप्लाई देंगे। अच्छा ये बताइए, ये निगेटिव सप्लाई है, ये निगेटिव सप्लाई है, यहाँ इंसुलेटेड गेट है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, रिपेल मीन्स प्रतिकर्षित करना। आप लोग कोशिश करिए कि जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको इंग्लिश में ही पढ़ें, टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश में ही पढ़ें, ठीक है। हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हिंदी में भी आप जानकारी रखिए, लेकिन टेक्निकल टर्म्स को बेसिकली, जैसे डेप्लीशन मोड मैंने बोला, तो डेप्लीशन मोड की हिंदी मत खोजने चले जाइएगा,
आप इसको डिप्लीशन मोड में ही पढ़ें। डिप्लीशन मोड अगर मैंने बताया तो डिप्लीशन मोड ही पढ़ें, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, इसके बाद आप एग्ज़ाम्स वगैरह देंगे, कंपटीशन में बैठेंगे, तब आपको एहसास होगा कि वहाँ पर जैसे कई सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर आता है, तो अगर आप हिंदी में पढ़े रहेंगे सिर्फ हिंदी में तो आपको दिक्कत होगी, इंग्लिश में पढ़े रहेंगे तो आपको दोनों तरीके से फ़ायदा होगा। एक तो आपका जैसे कहीं जैसे आपका BTE का एग्ज़ाम होता है तो उसमें भी जो इंग्लिश वाला पार्ट होता है उसी को ज़्यादा मान्य दिया जाता है कि भाई जब आपका जो क्वेश्चन है अगर आपका गलत है कोई तो जो इंग्लिश पार्ट है उसी को सही माना जाएगा, ठीक है। अगर दोनों में भिन्नता है तो इंग्लिश वाले को वरीयता दी जाती है। उसी तरीके से आपको भी आप समझ रहे होंगे कि उसमें भी जब देख रहे हैं कि मेन इंग्लिश पर ही फोकस किया गया है और आपके जो टेक्निकल टर्म्स हैं बेसिकली उनको इंग्लिश में ही समझने की कोशिश किया करिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखा कि कई लोग डिमांड करते हैं हिंदी में टेक्निकल टर्म्स को भी हिंदी में लेक्चर तो अवेलेबल है, ये सारी लेक्चर्स हिंदी में ही है, इंग्लिश में नहीं है, बट टेक्निकल टर्म्स तो इंग्लिश में ही होंगे। ये आप लोग थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो रिक्वायर्ड होगी ही, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, डिक्शनरी उठाइए ढूंढिए, हिंदी ढूंढ लीजिए इसकी। बट यहाँ पर जो बता रहे हैं डिप्लीट करना, डिक्रीज करना, कम करना, ये सब चीज़ें तो उसको बता ही रहे हैं। चलिए यहाँ पर ये एक एन चैनल है, कौन सा मॉस्फेट है, एन चैनल मॉस्फेट है सबसे पहले, एन चैनल मॉस्फेट। अब ये डी मॉस्फेट है कि ई मॉस्फेट है, तो यहाँ पर देखिए सोर्स और ड्रेन के बीच में चैनल है, इसलिए ये कौन सा मॉस्फेट है, डी मॉस्फेट। अब इसको हम सिर्फ डिप्लीशन मोड में पढ़ रहे हैं, डिप्लीशन मोड में पढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, गेट पर निगेटिव अप्लाई किए करेंगे वोल्टेज। देखिए निगेटिव अप्लाई वोल्टेज, निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पर निगेटिव पोटेंशियल होगा, तो बेसिकली कहेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर बनाया हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, ये एक कैपेसिटर की तरह बिहेव कर रहा है बेसिकली, यहाँ पर बीच में इंसुलेटर है, इधर इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर उतनी ही मात्रा में यहाँ पर पॉजिटिव आयंस होंगे, या बेसिकली सिंपल सा ये देखिए कि ये निगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है, ये निगेटिव पर है, तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से रिपेल करेगा, रिपेल मतलब प्रतिकर्षित करेगा, तो यहाँ से ये जो चैनल है इस चैनल से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एन चैनल है तो चैनल एन चैनल है ना, अगर ये पी होता तो होल्स की हम बात करते हैं, क्योंकि कंडक्शन या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा या तो होल की वजह से, एन चैनल है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, पी चैनल है तो कंडक्शन किसकी वजह से होगा, होल की वजह से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो कम होंगे, क्यों, क्योंकि वो उसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ये निगेटिव पोटेंशियल। तो यहाँ इस चैनल से फ्री इलेक्ट्रॉन डिप्लीट होंगे, कम होंगे, और डिप्लीट होने की वजह से चैनल का जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इट मीन्स करेंट कम होगी। तो जीरो बायस की बात करें, अगर यहाँ कुछ यहाँ वोल्टेज ना लगाई हो उसकी तुलना में करंट जो है अब कम होगी, तो बेसिकली हम डिप्लीशन मोड में ही तो ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे JFET में कर रहे थे, JFET में भी तो हम करंट को कम कर रहे थे स्टार्टिंग पोजिशन से, जीरो बायस की कंडीशन से, तो इसका मतलब यहाँ पर भी वही काम होगा जो कि JFET में हो रहा था, सिंपल सा निगेटिव पोटेंशियल देंगे, यहाँ से चैनल, दिस इज द चैनल बिटवीन सोर्स एंड ड्रेन, सोर्स और ड्रेन के बीच चैनल है जहाँ से चार्ज कैरियर्स पास हो रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, जब हम निगेटिव पोटेंशियल देंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो यहाँ से चार्ज कैरियर्स फ्लो के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा तो करेंट कम। इस तरीके से डिप्लीशन मोड में काम करेगा, सेम एज इट इज JFET, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जैसे था वैसे ही। तो हम अब ये देखिए, अगर हम इसके पोटेंशियल को घटाए बढ़ाएं, ये जो पोटेंशियल VGG, अगर इसको बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर इसको घटाएंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, यही हो, सिंपल सा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इनपुट वोल्टेज को वेरी करके, चेंज करके आउटपुट, ये जो यहाँ पर करंट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसको बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगी, इसको घटाएंगे तो करंट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंट्रोलिंग कर सकते हैं, इनपुट वोल्टेज के द्वारा कंट्रोलिंग कर रहे हैं आउटपुट करंट की, ठीक है। अगला हम देखते हैं एनहेंसमेंट मोड में क्या होगा। अच्छा, मैंने कहा कि डिप्लीशन मोड कब होगा, जब नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, उसका जस्ट उल्टा एनहेंसमेंट मोड कब होगा, जब हम गेट पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करें। अब देखिए सिचुएशन चेंज होंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सप्लाई चेंज की, मोड चेंज हो गया, ये एनहेंसमेंट मोड हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पर सिंपल सा फिर से वही चीज़, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को जब अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर चैनल की जो कंडक्टिविटी है ये कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे जैसे आप ये वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे तो चैनल कंडक्टिविटी और बढ़ जाएगी, चैनल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी इट मीन्स यहाँ पर जो फ्लो होने वाली करंट है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप जैसे जैसे इस वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे करंट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे कम करते जाएंगे करंट कम होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप चैनल को इंड्यूस कर रहे हैं, चैनल यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं एक्स्ट्रा में, क्यों चैनल क्रिएट करने का मतलब है उसकी कंडक्टिविटी बेसिकली बढ़ा रहे हैं, इस चैनल की कंडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। उसके लिए क्या किया आपने, यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करने से यहाँ पर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी चैनल, ठीक है। तो इस तरीके से इन्हेंसमेंट मोड फॉर्म करता है, इन्हेंस करना मतलब चैनल की कंडक्टिविटी को बढ़ाना, इन्हेंस करना इंक्रीज करना, और इंक्रीज आप कैसे किए पोटेंशियल से किए, पोटेंशियल अप्लाई करिए वो अपना काम कर देगा, फिर यहाँ से आपकी करंट कंट्रोल हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका इन्हेंसमेंट मोड में आपका डी मॉस्फेट काम करता है, ठीक है। अब डी मॉस्फेट में क्या होता है, सोर्स टू ड्रेन करंट जो होती है, मतलब जो आउटपुट करंट है बेसिकली, उसको हम गेट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है बेसिकली उससे कंट्रोल करते हैं। और चूंकि ये गेट इंसुलेटेड होता है इसलिए इसके हम पॉजिटिव और नेगेटिव गेट ऑपरेशन दोनों में यूज करते हैं। पॉजिटिव गेट में जब पॉजिटिव गेट कर रहे थे तो हम इन्हेंसमेंट मोड में कर रहे थे, और नेगेटिव गेट ऑपरेशन में हम इसको डेप्लीशन मोड में कर रहे थे। इसका इनपुट इम्पीडेंस डी मॉस्फेट का बहुत ज़्यादा होता है, लगभग इसकी रेंज होती है 10,000 मेगा ओम से लेकर के 10,000 मेगा ओम से लेकर के ये 10,00,000 मेगा ओम तक इसका इनपुट इम्पीडेंस होता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसकी ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको ध्यान हो JFET की ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक, ये अभी हमने चर्चा भी की थी, इसमें ये होती है कुछ ऐसी, दिस इज़ द ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक ऑफ JFET, ये ID और VGS के बीच हमने बनाया था, ये IDSS मैक्सिमम, जब VGS जीरो था तो करंट मैक्सिमम थी, और जैसे जैसे VGS बढ़ाते जा रहे थे, VGS बढ़ा रहे थे, रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे थे, चैनल की चौड़ाई कम हो रही थी, चैनल की चौड़ाई कम हो रही थी इट मीन्स कंडक्टिविटी उसकी कम हो रही थी, कंडक्टिविटी कम हो रही थी तो करंट भी कम हो रही, और एक समय ऐसा आता है करंट जीरो हो गया था, ID = 0 हो गई थी, उस वोल्टेज को हमने क्या कहता था VTH VGS ऑफ। सेम वही चीज़ यहाँ होगा, हमने डी मॉस्फेट में पढ़ना है अब इसको ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक को। ये रही आपकी ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक, थोड़ा सा चेंज है, ये पोर्शन आप देख रहा होगा, ये इसका लेफ्ट वाला पोर्शन, ये आपको सेम एज इट इज़ लग रहा होगा जैसा उसमें था दिस पोर्शन, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए इसको भी भूल जाइए, इस ऑपरेशन में देखिए, इस ऑपरेशन में जब आप VGS जीरो है, VGS = 0 ये वाला, यहाँ पर उस समय करंट मैक्सिमम IDSS वाला था, और जैसे जैसे नेगेटिव वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे VGS नेगेटिव, नेगेटिव वोल्टेज ना मीन्स रिवर्स बायस, ठीक है, मतलब उस समय जब इसको रिवर्स बायस मीन्स उस समय क्या होता है गेट नेगेटिव होता है, और आप जानते हैं जब गेट निगेटिव होता है उस समय कौन सा ऑपरेशन होता है डिप्लीशन ऑपरेशन, ठीक है। और जब गेट पॉजिटिव होता है, इधर देखिए VGS पॉजिटिव है, तो गेट जब पॉजिटिव होता है तो उस समय कौन सा ऑपरेशन होता है एनहेंसमेंट मोड वाला ऑपरेशन होता है, ठीक है। अब पहले एक एक करके देखते हैं, जब हम VGS जीरो है देखिए करंट IDSS जो पुरानी केस थी, फिर रिवर्स बायस को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे फिर करंट घटती 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 एक ऐसी स्थिति आएगी जब करंट घट के जीरो हो जाएगी, और उस वोल्टेज को हमने क्या कहा था VGS ऑफ। और अब हम क्या करें, हमने कहा कि इसको हम पॉजिटिव सप्लाई में भी यूज कर सकते हैं गेट के, तो जब गेट को पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो ये अपनी IDSS से बढ़ते हुए यहाँ पर गेट को हमने पॉजिटिव सप्लाई दी तो जो करंट मैक्सिमम थी अब उससे भी हम आगे बढ़ते हुए आईडी को देखिए बढ़ती जा रही है, ये एनहेंसमेंट मोड वाला ऑपरेशन होगा और ये डिप्लीशन होगा, ठीक। यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा रहे थे इसमें तो आपका करंट बढ़ रहा था, कब इन्हेंसमेंट मोड में जब गेट आपने पॉजिटिव किया था, जब गेट आपने निगेटिव किया तो यहाँ वोल्टेज जब आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे थे तो करंट घट रहे थे, ठीक है, जो कि हमने अभी पढ़ा भी है
थ्योरी अगर आपको क्लियर होगी तो ये ग्राफ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ ही रहा है जो पुराना है JFET, और उसके बाद ये इन्हेंसमेंट वाला है अपने प्रीवियस कंडीशन से स्टार्ट होते हुए, जीरो बायस कंडीशन से स्टार्ट होते हुए फिर आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। इसका जो डीमॉस्फेट का जो ट्रांसकंडक्टेंस कर्व है, जो आप ट्रांसकंडक्टेंस कर्व मतलब जो भी आपने बनाया ये वाला, ये इसमें, ठीक है, ये जो कर्व बनाया वो सेम, इस ये जो कर्व है वो सेम एज इट इज JFET है, तो इसका इक्वेशन भी सेम होगा, ट्रांसकंडक्टेंस इक्वेशन भी सेम होगा, आईडी इक्वल टू आईडी सेम माइनस वीजीएस फॉर्मूली सॉफ्ट पर स्क्वायर, ठीक है। बस यहाँ चाहे कि वीजीएस माइनस प्लस दोनों ऑप्शन में हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट है ई मॉस्फेट, इसको अगले लेक्चर में